जय हिंद जय भारत। आज हम लोग समझेंगे कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो इतना लेट लेट आखिर रॉकेट को लॉन्च क्यों करता है, जल्दी जल्दी रॉकेट को लॉन्च क्यों नहीं करता है। नासा को आप देखें जल्दी जल्दी एक ही बार में रॉकेट लॉन्च करता है, बहुत स्पीड से नासा रॉकेट लॉन्च करता है। हर कुछ महीने में, हर कुछ साल में देखेंगे तो नासा रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन इसरो जो है वो थोड़ा लेट लेट रॉकेट लॉन्च करता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन समझिए। इसके पीछे का रीजन आप लोगों से बहुत से लोग जानते होंगे ना कि पैसा है इसके पीछे का रीजन। उसके पास पैसा है तो जल्दी जल्दी रॉकेट लॉन्च कर रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है तो धीरे धीरे रॉकेट लॉन्च हो रहा है। मान के चलिए आपको मैं पैसा दे दे रहा हूँ, आपको कितना पैसा दे रहा हूँ, आपको मैं 1,000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और मैं बोलूंगा कि आप रॉकेट लॉन्च कीजिए 1 साल 2 साल के अंदर में, मैं देखता हूँ कि आप कितना रॉकेट लॉन्च कर देंगे। तो आप कितना रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं अगर आपने एक अपनी टीम भी बना ली, साइंटिस्ट को भी हायर कर लिया, बड़े बड़े साइंटिस्ट को आपने हायर कर लिया, जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल रॉकेट बना पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप एक भी सक्सेसफुल रॉकेट बना पाएंगे, क्योंकि पैसा इसके पीछे बड़ी चीज नहीं होती है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है अपनी मेहनत होती है इसके पीछे, और जो टेक्नोलॉजी है वो होती है, हम कितने सिंसियरली उस काम को कर रहे हैं ये होता है। नासा में अधिकतर जो साइंटिस्ट है वो हमारे इंडिया के हैं। नासा में अधिकतर साइंटिस्ट कहाँ के हैं, हमारे इंडिया के हैं। अगर मान लीजिए वही साइंटिस्ट आज हमारे देश के लिए काम करते हैं, इसरो के लिए काम करते हैं, भले ही थोड़ा उनको कम पैसा मिलता है लेकिन अपने देश के लिए काम करते हैं, तो वो वहाँ पे कितनी गर्व की बात होती है इस चीज़ को, बहुत वहाँ पे गर्व की बात होती है। अगर हमारे साइंटिस्ट जो है वो नासा के बदले इसरो में आज काम करते, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप नासा में काम बंद कीजिए, इसरो में काम कीजिए। अगर आप नासा में काम कर रहे हो तो बहुत आप खराब काम कर रहे हो, बहुत गंदा काम कर रहे हो, ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहने वाला। आपकी मर्जी, आप जो कर सकते हो, मेरा काम है बस आपको बताना, आपसे निवेदन करना कि आप अगर अपने देश के लिए काम करेंगे तो वो काफी हद तक बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए कोई मेरा ये प्राइवेट कंपनी तो है नहीं इसरो, ना ही इससे मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला है बता के, इसका ऐड करके मुझे ना ही उससे कोई प्रॉफिट आने वाला है, तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए तो कह नहीं रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए बात कह रहा हूँ, तो इसको कहने का मुझे भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। तो अगर हम देश के लिए अपने काम करना तो हमारा देश काफी ऊंचाई तक जाएगा। आपने कल्पना चावला के बारे में सुना ही होगा, नासा से गई थी या क्या बोलते हैं स्पेस में गई थी, इंडिया की लड़की थी, काफी अच्छा था, मतलब बहुत पे क्या होता है प्राउड होता है कल्पना चावला के ऊपर, भारत की एक बेटी जो कि इंडिया से, और वो भी उतना उनका परिवार के पास ये भी नहीं था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी कि वो नासा में जाए, अमेरिका जाके पढ़ाई करे और जा पाए, लेकिन उन्होंने गया, वो गई आखिर उस मुकाम तक वो पहुंची, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग अपने देश के लिए काम करेंगे ना, इतना मेहनत से अगर हम लोग अपने इसरो पे काम करेंगे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी हमारा रॉकेट लॉन्च होगा। और अमेरिका में नासा जो हो गया और स्पेस एक्स और जितनी भी और कंपनियां हैं, रशिया ये मान लीजिए स्पेस एजेंसी मान लीजिए और स्पेस एक्स मान लीजिए, नासा मान लीजिए, ये जितनी कंपनियां हैं बहुत ज्यादा ज्यादा बजट में रॉकेट को लॉन्च करती हैं हमारे देश के मुकाबले। हमारे देश में बहुत कम पैसों में रॉकेट लॉन्च होता है। सबसे पहला रॉकेट कैसे लॉन्च किया गया था, तो उसको क्या किया, जो बैलगाड़ी होती है, गाँव में चलती है बैलगाड़ी, उस समय बहुत पहले 1900 कुछ में रॉकेट लॉन्च हुआ था, बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्च हुआ था। यस, बैलगाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर रॉकेट के पार्ट्स को रखा गया था और धीरे धीरे एक पार्ट्स लाके, दूसरा पार्ट्स लाके, तीसरा पार्ट्स लाके, सब कुछ जोड़ के खेत के अंदर में 2 पेड़ों की सहायता से बांध कर उस रॉकेट को लॉन्च किया गया था, और वो रॉकेट सक्सेसफुल भी हुआ था। इस तरीके से पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था। उसके बाद 104 रॉकेट एक साथ लॉन्च हो गया। अभी ये क्या बोलते हैं, बहुत ही हाल ही में 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया गया, और इससे पहले भी 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। तो बहुत, और ये बहुत ही कम खर्चे में होगा, ठीक है। ये आपने मार्स मिशन के बारे में तो सुना ही होगा, इस पे एक मूवी भी आई है मार्स मिशन पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो मूवी क्या था, सॉरी वो मिशन क्या था ना, तो फर्स्ट टाइम में कोई देश नहीं पहुंच पा रहा था, फर्स्ट टाइम में हमारे इंडिया बहुत ही कम पैसों, मतलब बहुत ज्यादा कम पैसों, और देश के मुकाबले आधे से भी कम पैसों में वो गई थी मार्स पर। पहले टर्म में वो मार्स के ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट चला गया था, उसको जुगाड़ पे बनाया गया था, तो कुछ करके उसको जुगाड़ कर तैयार किया गया। सोचिए जो थोड़ा साइंटिस्ट का पावर है, उसमें दिखाया गया है मार्स मिशन के जो मूवी में वो दिखाया गया कि साइंटिस्ट पहले क्या करते हैं, पहले वो ये समझ के काम करते हैं कि हमारा जॉब है, हमको 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे ऐसे हमको अपनी ड्यूटी करना है, उसके बाद हमें चले जाना है, उसके बाद हमारी लाइफ है, उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस चीज को मान लिया ना कि नहीं यही हमारी लाइफ है, अपने देश के लिए हमको करना है, तो पहले बार में ही हमारा जो रॉकेट मिशन था, सैटेलाइट मिशन था, ऑर्बिट में उसको पकड़ाने का, वो सक्सेसफुल हो गया था, और इसको पूरे देश ने देखा, और ये इस बात को हम कहीं से भी छुपा नहीं सकते हैं, इस सबके सामने था ये बात, ठीक है। तो हमारा देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और इसरो के हमारा जो लेट रॉकेट लॉन्च होता है इसके पीछे का यही सबसे बड़ा कारण है, हम लोग सबसे बड़े कारण कि हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दिल से। अगर हम लोग जब यहाँ से सपोर्ट करने लगेंगे ना अपने देश को, तो मतलब किसी में भी पावर नहीं है कि लेट लॉन्च करे या फिर रोक दे हमारे देश को नंबर 1 पे आने में, हमारे इसरो को, स्पेस एजेंसी को हमारे देश के। और
जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अपनी खुद की स्पेस एजेंसी बना के रखे हैं, लेकिन उसमें से बस 14-15 ही ऐसे देश है ना जिनके पास अपना लॉन्च करने का ये है टेक्नोलॉजी है, जिसमें से हमारा इंडिया भी एक ऐसा है, स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो हमारा बिल्कुल, इसको ये मत समझिएगा इसरो को कमजोर, जो अलग देश होते हैं वो समझते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत को मतलब हल्के में लेते हैं, भारत में ऐसे चले जाएंगे वैसे चले जाएंगे, इतना आसान रहता तो आज कोई भी भारत में आ जाता, आज भारत में इतने हमले करते हैं तो आज कोई भी भारत को में हमला करके भारत को जीत जाता, इतना आसान थोड़ी है। उस समय जो पहले जब अंग्रेजों का राज था भारत में, उस समय जब लोगों को बंदूक नहीं चलानी आती थी, कंधे पे लेते बंदूक को चले जाते थे, क्या करते थे कंधे पे लेते बंदूक को चले जाते लड़ने के लिए, कैसे भी चला देते थे, यहाँ सीधा कैसे भी चला देते, कभी कभी अपने भी लग जाते थे बंदूक से, चलाना ही नहीं आता था बंदूक, लेकिन अपने देश के लिए जाते थे लड़ने के लिए, और वही लोग देश को आजाद भी कराए थे, आप भी जानते हैं और इस चीज को मैं भी जानता हूँ, वही लोग देश को आजाद भी कराए थे, इनको बंदूक चलानी नहीं आती थी, तो अब तो समझिए बंदूक चलानी भी आती है और उसको बनाना भी आता है, तो अब पावर समझ लीजिए हमारे देश का आप भी, वो हमें नहीं बताना है कि हमारे देश का कितना पावर है, वो आप ही अब समझ सकते हैं कि अब तो चलानी भी आती है और बंदूक को बनाना भी आता है, ठीक है।